दोस्तों आईपीएल 2024 के 58वें मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस सीजन में खेले गए पिछले मैच में अब दोनों टीमें बढ़ी थी, तब बेंगलोर ने पंजाब को हरा दिया था, इसलिए अब पंजाब धर्मशाला में बेंगलोर से बदला लेने के लिए बेताब होगी। दोनों टीमों का इस सीजन में बुरा हाल है। पॉइंट टेबल में आरसीबी 8 पॉइंट लेकर 7वें नंबर पर है तो बीबीकेएस 8 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर है, लेकिन दोनों टीमें अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। ऐसे में जो टीम ये मैच हारेगी वह ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, इसलिए दोनों टीमों के इस मैच में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं, जानेंगे कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पंजाब और बेंगलोर के बीच बढ़त का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आईपीएल 2024 से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 से पहले जानते हैं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल में 32 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 15 मैचों में बाजी आरसीबी ने मारी है, तो वहीं पीवीकेएस ने आरसीबी से 17 मैचों में जीत दर्ज की है। और दोस्तों, अब कंपेरिजन करते हैं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। सबसे पहले टॉप ऑर्डर पर नज़र डालते हैं तो पंजाब के लिए ओपन करेंगे पर्व सिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो, फिर नंबर 3 पर राली रूसो खेलेंगे, जबकि बेंगलोर के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर बिल जैक्स उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर में पल्ला भारी है। आरसीबी का टॉप ऑर्डर बहुत दमदार है, कोहली, फैफ और जैक्स तीनों शानदार फॉर्म में हैं। आरसीबी पिछले 3 मैच लगातार जीती है और ऐसा हुआ है इन तीनों की वजह से। वहीं पंजाब का टॉप ऑर्डर उतना बेहतर नहीं है। बेयरस्टो सिर्फ 1 मैच में चल पाए थे केकेआर के खिलाफ, उसके बाद फिर नहीं चले। रूसो का बल्ला भी खामोश है। प्रभ सिमरन 1 मैच में चलते हैं तो दूसरे में फ्लॉप हो जाते हैं, इसलिए टॉप ऑर्डर में आरसीबी मजबूत है पीवीकेएस से। टॉप ऑर्डर के बाद दोस्तों, अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो पीवीकेएस के लिए नंबर 4 पर जितेश शर्मा, नंबर 5 पर सैम करण, नंबर 6 पर शशांक सिंह और 7वें नंबर पर आशुतोष शर्मा उतरेंगे, जबकि आरसीबी के लिए नंबर 4 पर रजत पाटीदार, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर कैमरून ग्रीन और 7वें नंबर पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो दोनों टीमों का पलड़ा बराबर लग रहा है। दोनों के मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। आरसीबी की तरफ से मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन दो बड़े ऑलराउंडर फ्लॉप रहे हैं और यही वजह रही कि आरसीबी आईपीएल 2024 से बाहर होने की कगार पर है। दिनेश कार्तिक जरूर शानदार फॉर्म में है और अच्छा फिनिश कर रहे हैं। पाटीदार भी अब अच्छे टच में लग रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के मेन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज उसे धोखा दे रहे हैं। सैम करण और जितेश दोनों फ्लॉप साबित हो रहे हैं। वो तो अच्छा है, शशांक और आशुतोष ने पंजाब की लाज बचा रखी है। अभी तक के मैचों में दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए हैं, इसलिए मिडिल ऑर्डर में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं पंजाब और बेंगलोर के लोअर ऑर्डर की तो पंजाब के लिए नंबर 8 पर हरप्रीत बरार, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर कागीश्वर अबाड़ा उतरेंगे, जबकि बेंगलोर के लिए 8वें नंबर पर करण शर्मा, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, 10 पर यश दयाल और 11वें नंबर पर बेशक विजय कुमार उतरेंगे। लोअर ऑर्डर में भी दोस्तों, दोनों टीमों का पलड़ा बराबर लग रहा है। पंजाब के गेंदबाज भले ही विकेट चटका रहे हैं हर मैच में, पिछले 2 मैच में जरूर लय में दिखे हैं। कुछ ऐसा ही हाल आरसीबी के गेंदबाजों का है, जो अब तक महंगे साबित हुए हैं। वैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने भी पिछले 2 मैच में शानदार गेंदबाजी की है, इसलिए लोअर ऑर्डर में भी दोनों टीमें बराबर हैं। दोस्तों, ओवरऑल इस कंपेरिजन में आरसीबी का पलड़ा भारी है उसके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की वजह से, जो शानदार फॉर्म में है। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, आरसीबी या पीवीकेएस, और कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।